हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं, ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों देखने को मिलता है। रिलेटिव क्लॉज हम सेंटेंस में क्यों यूज़ करते हैं? रिलेटिव क्लॉज यूज़ करने का दो रीज़न है। एक तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है और दूसरा है ये किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इसके एग्जांपल में आता है, आई बॉट ए न्यू कार, इट इज़ वेरी फास्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक है आई बॉट ए न्यू कार और दूसरा है इट इज़ वेरी फास्ट। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमको रिलेटिव क्लॉज का हेल्प लेना होगा। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बाद क्या होगा, आई बॉट ए न्यू कार दैट इज़ वेरी फास्ट। तो यहाँ पे दैट इज़ वेरी फास्ट, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आई लव बुक्स, द बुक्स मेक मी क्राई। तो यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस हैं, तो चलिए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आई लव द बुक्स दैट मेक मी क्राई। तो यहाँ पे दैट मेक मी क्राई, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक है डिफाइनिंग और दूसरा है नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का काम क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हमको ये बताता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आई लाइक द वुमन हु लिव्स द नेक्स्ट डोर। तो यहाँ पे हु लिव्स द नेक्स्ट डोर, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और ये रिलेटिव क्लॉज द वुमन, ये जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। कि सेंटेंस को समझने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तब उस केस में हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हैं। आई लिव इन लंडन व्हिच हैज सम फैंटास्टिक पार्क्स। तो यहाँ पे व्हिच हैज सम फैंटास्टिक पार्क्स, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये जो लंडन नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन लंडन को डिफाइन करने के लिए हमको कोई रिलेटिव क्लॉज का ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंडन के बारे में सब जानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले देखते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है। तो पहले देखते हैं ये सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होता है। रिलेटिव क्लॉज में हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, हु विच व्हाट हुम दैट, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का यूज़ हम ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, विच का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और दैट का यूज़ हम पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, सबके लिए कर सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हो सकता है। हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैसे यूज़ होता है। द पर्सन हु और दैट फोन्ड मी इज़ माई ब्रदर। तो आप यहाँ पे हु भी लगा सकते हैं या फिर दैट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सन है। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज कौन है, दैट फोन्ड मी इज़ माई ब्रदर, ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है। और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है द मैन। द पीपल हु आर दैट लिव ऑन द आइलैंड आर वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हु और दैट दोनों का यूज़ हुआ है, मतलब कि आप हु भी लगा सकते हैं या फिर दैट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द पीपल, जो कि ह्यूमन बीइंग है। अब देखते हैं रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कैसे यूज़ होता है। ही हैज़ ए सन हु और दैट इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज कौन है, हु इज़ ए डॉक्टर और ये किसके बाद यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये जो अ सन जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद यूज़ हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर ए सेक्रेटरी हु आर दैट कैन यूज़ द कंप्यूटर वेल। तो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु या दैट किसी एक का यूज़ आप कर सकते हैं। हु कैन यूज़ द कंप्यूटर वेल, तो ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और ये किसके बाद यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है सेक्रेटरी, इसके बाद यूज़ हुआ है। तो इन सब सेंटेंसेस में आप एक चीज़ देख सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज चाहे सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो या फिर ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ हो, रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में या फिर रिलेटिव क्लॉज में एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही हैज़ ए सन
हु इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हु इज़ अ डॉक्टर ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज, और हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसीलिए हमने हु के बाद डायरेक्ट जो वर्ब है इज़ उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बदले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ही लिखा हमने, तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ ए डॉक्टर। तो यहाँ पे हमको सेंटेंस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना था, इसलिए हमने रिलेटिव क्लॉज का हेल्प लिया। और रिलेटिव क्लॉज में जैसे हम जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, और यहाँ पे एक ह्यूमन बींग के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हु या फिर दैट का यूज़ किया है। हु के बदले हम ही भी लिख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट है, तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। द मैन हु फोन्ड मी इज़ माई ब्रदर, द मैन इज़ माई ब्रदर, ये हो गया आपका एक सेंटेंस। और हु फोन्ड मी ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। आप हु के बदले ही फोन्ड मी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसीलिए हमने सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है फोन्ड उसका यूज़ किया है। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, और ये जो रिलेटिव क्लॉज है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो सकता है। सी लव्स द चॉकलेट विच आई बॉट, या फिर दैट आई बॉट, यहाँ पे चॉकलेट के बारे में बात हो रही है, और चॉकलेट एक नॉन लिविंग बींग है, तो आप यहाँ पे विच का यूज़ कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, सी लव्स द चॉकलेट आई बॉट। आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। वी वेंट टू द विलेज विच और दैट माई फ्रेंड रिकमेंडेड, आप यहाँ पे विच या दैट ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बिना भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वी वेंट टू द विलेज माई फ्रेंड रिकमेंडेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रिलेटिव क्लॉज है आई बॉट या फिर माई फ्रेंड रिकमेंडेड ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है। और ऑब्जेक्ट कौन है, पहला सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है चॉकलेट और दूसरे में है विलेज। अब देखते हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैसे यूज होता है। द बाइक व्हिच और दैट आई लव्ड वाज स्टोलन, तो आप यहाँ पे जो दैट या व्हिच है आप इसके बिना भी या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बिना भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द बाइक आई लव्ड वाज स्टोलन, द यूनिवर्सिटी व्हिच और दैट सी लाइक्स इज फेमस। आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो व्हिच और दैट है इसके बिना भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं, द यूनिवर्सिटी सी लाइक्स इज फेमस। तो इन सब सेंटेंसेस में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द बाइक व्हिच और दैट आई लव्ड वाज स्टोलन, तो इस सेंटेंस में व्हिच आई लव्ड वाज स्टोलन ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज, और इस रिलेटिव क्लॉज में आई हो गया सब्जेक्ट, लव्ड हो गया आपका वर्ब। और अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड यू लव, तो आपको आंसर मिलेगा बाइक, जो कि ऑब्जेक्ट है, और ये जो व्हिच है ये बाइक के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। सी लव्स द चॉकलेट व्हिच आई बॉट, व्हाट डिड आई बाय, चॉकलेट, तो चॉकलेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये जो व्हिच है ये चॉकलेट के बारे में बता रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे व्हिच जो है जो रिलेटिव प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। अब देखते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम दैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम पर्सन को शो करने के लिए हु का यूज़ करेंगे और थिंग्स को शो करने के लिए व्हिच का यूज़ करेंगे। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, भले चाहे वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह ही क्यों ना यूज़ हुआ हो। तो अब देखते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैसे यूज़ होता है। माई सिस्टर हु आई लिव विथ नोज ए लॉट अबाउट कार्स, तो यहाँ पे माई सिस्टर हो गया आपका सब्जेक्ट, और हु आई लिव विथ ये हो गया आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो हु आई लिव विथ ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, माई सिस्टर, जो सिस्टर के जिस सिस्टर के साथ मैं रहती हूँ उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। माई मदर्स हाउस विच आई ग्रू अप इन इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे विच आई ग्रू अप इन ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज। और हमने यहाँ पे व्हिच का यूज़ क्यों किया है, हम यहाँ पे हाउस के बारे में बता रहे हैं,
और हाउस एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे व्हिच का यूज़ किया है। और हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करना नेसेसरी है। तो इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं माई सिस्टर या फिर माई मदर्स हाउस ये सब्जेक्ट है और रिलेटिव क्लॉज का यूज़ सब्जेक्ट के बाद हुआ है। अब देखते हैं हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज़ ऑब्जेक्ट के बाद कैसे करते हैं। यस्टरडे आई कॉल्ड अवर फ्रेंड जूली हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे हु लिव्स इन न्यूयॉर्क ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और इसका यूज़ हमने ऑब्जेक्ट के बाद किया है और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है जूली। लास्ट वीक आई बॉट ए न्यू कंप्यूटर व्हिच आई डोंट लाइक नाउ, व्हिच आई डोंट लाइक नाउ ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और इसका यूज़ हमने ऑब्जेक्ट के बाद किया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो रिलेटिव क्लॉज को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।